अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गुलबर्ग ग्रीन कैंपस इस्लामाबाद का टूर कराऊंगी। सो लेट स्टार्ट। ये बैक एंट्रेंस है। एक्चुअली यहाँ पे एक बेसमेंट फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। जो सेकंड फ्लोर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और हर फ्लोर पे एक विंग ए है और एक विंग बी है। पहले बेसमेंट देख लेते हैं। ये नमाज एरिया है, ये सिटिंग एरिया है, और ये बेसमेंट में भी एक विंग ए है और एक विंग बी है। हमारे पास विंग बी में कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया की तरफ चलते हैं। आपको रिफा की वॉल्स पे सारी हिस्ट्री मिलेगी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ना। ये कैफेटेरिया है। और कैफेटेरिया का खाना फ्रेश तो बिल्कुल भी नहीं होता, बस ब्रेकफास्ट ही फ्रेश मिलता है, बाकी कोई चीज़ फ्रेश नहीं होती, इसलिए बस हम यहाँ से लेते ही नहीं हैं, ब्रेकफास्ट ही लेते हैं बस। अब बाहर चलते हैं। ये रिफा की क्लास है। सब क्लासेस ऐसी ही हैं, काफ़ी अच्छी हैं, नीटनेस है क्लासेस में। ये यहीं से देख लें आप, ये हमारी बुक शॉप है और यहाँ स्टेशनरी के अलावा मेडिसिन्स भी मिलती हैं। काफ़ी अच्छी बुक शॉप है हमारी। ये ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ गए हैं। ये रिसेप्शन का एरिया है। मैम बैठी थी इस वजह से फुल कैप्चर नहीं किया मैंने। यहाँ भी हिस्ट्री देख लें। ये न्यूट्रिशन लैब है और लैब्स बंद थी, बस यही ओपन थी तो बस यही देख लें। ये फ्रंट एंट्रेंस है जो अभी बंद की हुई है इन्होंने, बिकॉज सेकंड फ्लोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये क्यूब्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपने बैग्स, बुक्स कुछ भी रख सकते हैं लाइब्रेरी जाते वक्त या ऐसे भी। एक्चुअली लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउ नहीं है, इस वजह से मैंने बाहर से ही कैप्चर किया है।
ये लाइब्रेरी देख लें आप। ये भी हिस्ट्री, ये एटीएम है जिसे मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, बट ये चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ हुआ है, एरर आ जाता है। अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये फ्रंट का व्यू है फर्स्ट फ्लोर से। ये भी नमाज का एरिया बना हुआ है थोड़ा सा, और ये ग्राउंड फ्लोर का व्यू है फर्स्ट फ्लोर से। सारे फ्लोर सेम ही हैं, बस ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा फैकल्टी ऑफिसेज हैं, बेसमेंट में ज्यादा लैब्स हैं। ये बस आप यहीं से देख लें, अब नीचे चलते हैं। और हाँ, आपको एक और बात बतानी थी कि ये यूनिवर्सिटी स्टडी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर आएँ, बट अगर आप इंजॉयमेंट के मूड में हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई इंजॉयमेंट का सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टडी स्टडी एंड स्टडी। हाँ, स्प्रिंग फेस्टिवल स्पोर्ट्स वीक होता है, लेकिन सॉन्ग्स का तो नाम ही ना लो ना बस, और कंसर्ट वगैरह का तो सोचना ही क्राइम है। खैर, अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट का व्यू वैसे आपने देखा होगा मेरे और व्लॉग्स में, बट फिर भी दिखा देते हैं। ये सामने रिफाकी बसेस हैं जो रिफाकी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप देती हैं। ये ग्राउंड है, ये फ्रंट से व्यू है, देख लें आप। और हाँ, आपने देख लिया होगा यहाँ यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर शूज, यूनिफॉर्म, दुपट्टे का कलर, हर चीज़ चेक की जाती है। ये यूनिवर्सिटी लाइफ से ज़्यादा स्कूल लाइफ है। ओके, आपको आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।